वहीं हैदराबाद उस्मानिया हॉस्पिटल को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। करीब 110 साल पुराने इस हॉस्पिटल की हालत जर्जर हो चुकी है। पिछले हफ्ते बारिश के चलते हॉस्पिटल के वार्ड में पानी भर गया था। अस्पताल प्रशासन और तेलंगाना सरकार की जबरदस्त आलोचना हुई। आज सरकार ने इस अस्पताल को खाली कर इसे सील करने का आदेश जारी कर दिया।